Welcome everyone, this is Annie Ray from Muscle Clinic. In this episode, we'll discuss how to control your anger. Let's roll the intro. मैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है एंड बात बात पे मुझे गुस्सा आता है। गैस, ऐसा आपने किसी ना किसी को ज़रूर बोलते हुए सुना होगा कि उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है एंड वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड है। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा गैस, आपके बॉडी में कोई ऐसा हार्मोन बना नहीं है जो आपके गुस्से को स्पाइक करता हो। बेसिकली गुस्सा एक एक्सप्रेशन है, जैसे हम हंसते हैं, जैसे हम सैड हो जाते हैं, तो सेम वे में भी गुस्सा आता है। बट गुस्सा होने से आपकी बॉडी के लिए बहुत ख़राब है एंड बहुत सारे मेडिकल कंडीशन भी आपको इन फ्यूचर फेस करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे गुस्सा करने से कौन कौन से प्रॉब्लम आ सकता है एंड उसके बाद गुस्सा ना करें, इसके लिए मैं बहुत सारे सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जानेंगे कि गुस्सा करने से हमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो नंबर वन पे, तो जब भी आप गुस्सा करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम खराब होती है। बेसिकली क्या होता है, आप जब गुस्सा होते हैं तो आपके बॉडी में जो व्हाइट ब्लड कॉर्पोसल्स रहते हैं वो कम होने लगते हैं एंड जितना ज्यादा आपके व्हाइट ब्लड कॉर्पोसल्स कम होंगे, जिसको WBC भी बोलते हैं, एंड वो अगर कम हो गए तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कम होगी एंड आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। नंबर दो पे, जब भी आप गुस्सा करते हैं तो आपका कोर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है एंड साथ ही में आपको BP की प्रॉब्लम भी हो सकती है। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप गुस्सा करते हैं तो आपको हार्ट अटैक होने के चांसेस 9% बढ़ जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से थोड़े ठंडे दिमाग से सोचिएगा। एंड जो नेक्स्ट पॉइंट है, जब भी आप ज़्यादा गुस्सा करते हैं एंड ये एक्सप्रेशन आप दे देते हैं एंड इससे आपके जो भी बनता बनता काम है वो भी बिगड़ सकता है या फिर आपके रिलेशनशिप भी ख़राब हो सकती है। तो ये रहे कॉमन पॉइंट, जब भी आप गुस्सा होता है तो ये प्रॉब्लम इन फ्यूचर आपको फेस करना पड़ सकता है। बट इस एपिसोड में मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे टिप्स दूंगा जिससे आपको इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो नंबर वन टिप, जब भी आपको गुस्सा आता है तो सिचुएशन को थोड़ा सा डिले कर दीजिए, बिकॉज हमारा जो ब्रेन रहता है वो दो टाइप से डिसीजन लेता है। एक जो ब्रेन रहता है वो इमोशनली डिसीजन लेता है, इस वजह से हम इमोशन में बह के ऐसा कोई डिसीजन ले लेते हैं एंड गुस्से को हम लोग शो करते हैं। एंड जो दूसरा ब्रेन रहता है उसको बोलते हैं रैशनल ब्रेन, जो सोच समझ के डिसीजन लेता है। तो जब भी आपको गुस्सा आए तो 3 सेकेंड रूल को ज़रूर फॉलो करिएगा, बिकॉज साइंटिफिकली प्रूवन है कि आपका जो गुस्सा रहता है वो 2.5 सेकेंड तक ज़्यादा एग्रेसिवली रहता है एंड अगर वो टाइम आपने पास कर दिया तो आपका गुस्सा शांत हो जाता है। इस वजह से जब भी आपको जिस सिचुएशन में भी गुस्सा आए तो उस सिचुएशन को थोड़ा सा पास कर दीजिए, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। या तो आप 10 से 1 तक की उल्टी गिनती भी कर सकते हैं या फिर आपका जो फोकस है उसको कहीं और शिफ्ट कर लीजिए, देखिएगा आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो आप लोगों से मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगा मेरे से रिलेटेड। जैसा आप सबको पता है मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ एंड मैंने 500+ लोगों को ट्रांसफॉर्म कर चुका। तो एक नए क्लाइंट मेरे पास आए हुए थे एंड उनको जल्दी जल्दी वेट लॉस करना था। बट आप सबको पता है, प्रीवियस काफ़ी सारे वीडियोज़ में बता के रखा है कि फिटनेस के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ये शॉर्ट टर्म गोल नहीं होता, ये एक लाइफस्टाइल रहती है, इसलिए उसको सेट होने के लिए काफ़ी टाइम लगता है। तो उनको मैंने 2 महीने का डाइट प्लान दिया, वो फॉलो कर रहे थे एंड प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं करते थे एंड मुझे काफ़ी सारे पोस्ट उनके दिखते थे जिसमें वो खूब सारी पार्टीज एंड ऑल कर रहे हैं। तो 1 महीने बाद उनका मैसेज आया कि आपके पहचान का कोई अच्छा न्यूट्रिशनिस्ट है जो जल्दी से पतला कर दे। तो जब मुझे मैसेज पड़ा तो मुझे बहुत गुस्सा आया, बिकॉज 13 ईयर्स का एक्सपीरियंस मेरे पास है। तो फिर मैं उनको टाइप करके कुछ बोलने ही वाला था, तो मैंने सोचा कि टाइम को थोड़ा सा डिले कर देता हूँ एंड देन रिस्पॉन्ड करूँगा। देन मैंने आधे घंटे बाद उनको मैसेज किया एंड मैंने मुंबई के कुछ न्यूट्रिशनिस्ट जो मेरे पहचान के उनका नंबर दिया एंड वो बहुत ज़्यादा हाईली चार्ज करते हैं एंड जो मेरे क्लाइंट थे वो फिर मुंबई के न्यूट्रिशनिस्ट से काफ़ी टाइम तक डाइट प्लान देने लगे। बट गलती डाइट प्लान या फिर न्यूट्रिशनिस्ट में नहीं थी, ये गलती वो क्लाइंट की थी, बिकॉज वो प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं कर रहे थे। एंड कुछ महीने बाद वो मेरे पास ही वापस आए एंड मुझे बोले कि सर आप ही डाइट प्लान दीजिए, बिकॉज आप मुझे देख सकते हैं सामने से एंड प्रॉपर तरीके से हम लोग डिस्कस कर सकते हैं एंड मुंबई के जो बड़े न्यूट्रिशनिस्ट हैं उनके पास टाइम ही नहीं होता डिस्कस करने का। तो मैं उस दिन से फिर और ज़्यादा मैं समझ गया कि जब भी आप सिचुएशन को डिले कर देते तो अच्छे दिन आपके आ जाते हैं। अब जो दूसरा पॉइंट है, आपको जो भी एक्टिविटीज़ अपने लाइफ में पसंद है वो ज़रूर करना चाहिए। जैसा मुझे वर्कआउट करना पसंद है, शायद आपको पेंटिंग करना पसंद आ सकता है या फिर
म्यूजिक सुनना पसंद आ सकता है। ऐसे सिचुएशन में अगर ये इंक्लूड हो जाता है 40-45 मिनट का आपको जो भी मनपसंद चीज़ है, इससे भी आपका गुस्सा कम होता है। अब जो थर्ड पॉइंट है, एक प्रॉपर स्लीप होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आजकल की बिजी लाइफ में हमारे पास सोने का टाइम ही नहीं होता। एंड मैं हमेशा बोलता हूँ कि 6 से 8 घंटे तक आपको ज़रूर सोना चाहिए, जिससे आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है, साथ ही में आपकी बॉडी की थकान भी दूर हो जाती है। एंड एक और फ़ायदा है कि आपकी बॉडी की जितनी रिकवरी होनी रहती है तो सोने के बाद ही होती है। इस वजह से 6 से 8 घंटे का डीप स्लीप करना आपको बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, आपको प्रॉपर तरीके से डाइट लेना चाहिए, बिकॉज अगर आपने डाइट अच्छे तरीके से नहीं लिया तो अगेन आपको कहीं ना कहीं भूख लगी हुई रहती है एंड आपको गुस्सा बढ़ जाता है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कंडीशन, बिकॉज गुस्सा जो रहता है वो कंडीशनली रहता है। आपको जब पता है कि आप आगे वाले के ऊपर गुस्सा करोगे एंड वो चुपचाप सुन लेगा एंड आप उससे जीत सकते हो, तभी आप गुस्सा एक्सप्रेस करते हो। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूँगा, जब आप किसी ऑफिस में काम करते हो एंड छोटी सी गलती पे आपका बॉस बहुत ज़्यादा चिल्ला देता है, तब आप उनकी बातों को रिस्पॉन्ड नहीं करते हो, बिकॉज अगर आपने रिस्पॉन्ड किया तो आपकी जॉब खतरे में आ जाएगी। एंड सेम सिचुएशन को थोड़ा सा उल्टा करते हैं कि आपके जूनियर को आप डांट रहे हो एंड उसको भी पता है कि आप उसके बॉस हो, एंड तब आप अपना गुस्सा बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करोगे। तो सेम वे में गुस्सा कंडीशनल है, तो कंडीशन टू कंडीशन डिपेंड करता है। इस वजह से आप अपने गुस्से के एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, मैं हमेशा प्रमोट करता हूँ कि आपको दिन में 5 से 20 मिनट तक मेडिटेशन करना चाहिए, बिकॉज मेडिटेशन करने से आप अपने ब्रेन को ज़्यादा अच्छे से जान सकते हो एंड आपका कॉर्टिसोल लेवल एंड स्ट्रेस लेवल भी कम होता है। एंड अगर प्रॉपर तरीके से आपको मेडिटेशन की आदत पड़ गई तो आपको कभी भी गुस्सा नहीं आएगा एंड हर सिचुएशन में आप प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्ड करोगे एंड हर सिचुएशन को कंट्रोल करने की भी कोशिश करें। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, सही सर्कल में आपको रहना चाहिए। जैसे जैसे नेचर के लोगों के साथ आप रहोगे तो वैसे ही आपकी मेंटालिटी भी हो जाती है। जैसे आप ज़्यादा गुस्सा करने वाले लोगों के साथ रहोगे तो आपको लगेगा कि सब लोग तो गुस्सा कर रहे हैं तो मुझे भी गुस्सा करना चाहिए। तो सेम वे में अगर आप पॉजिटिव लोगों के साथ एंड हैप्पी रहने वाले लोगों के साथ रहोगे एंड कहीं ना कहीं आपको भी साइकोलॉजिकली इसका फायदा होगा एंड आप भी हमेशा हैप्पी रहेंगे। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, आपको हमेशा पॉजिटिव होकर सोचना पड़ेगा, बिकॉज जब भी आप पॉजिटिविटी से सोचेंगे उससे आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी एंड आप नेगेटिव चीज़ों को दूर कर देंगे एंड जो गुस्सा होता है वो नेगेटिव चीज़ होती है। तो इस वजह से अगर आप पॉजिटिव होकर सोचेंगे तो आपका गुस्सा भी कम होगा। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज लाफ्टर थेरेपी। तो जब भी आपका गुस्सा है तो आप हंसने लगिए, जैसे बहुत सारे मूवीज़ में आपने देखा होगा, एंड ये थेरेपी सही में काम करती है। इस वजह से आप छोटे मोटे जोक्स पढ़ के या फिर छोटे मोटे वीडियोस देख के भी आप अपने आप को खुश कर सकते हैं एंड उस टाइम को पास कर दीजिए। तो इस वजह से लाफ्टर थेरेपी को ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। एंड गाइस, जितने भी मैंने आपको टिप्स दिए हैं इसको आप अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करिए एंड मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको फ़ायदा हुआ कि नहीं। एंड इसके बारे में आपको ज़्यादा कुछ जानना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए एंड मुझे इंस्टा पे फॉलो करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां जाके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साथ ही में जो रेड कलर का सब्सक्राइब वाला बटन है उसे प्रेस कर दीजिए, बाजू वाला जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए। होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू डिड देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। कीप पंपिंग, स्टे ब्लेस्ड।